हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज 25 जून को IRDA का फेज़ वन का एग्ज़ाम हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसका एग्ज़ाम दिया है। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डिस्कस कर रहा था, कुछ मैंने पोल्स भी देखे और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात भी की है। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उसके बाद SMS पे फ़ोन करके उनका फीडबैक दिया है। तो ये मेरा जो फीडबैक है वो और मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ये मिला के मैं कुछ कट ऑफ प्रेडिक्ट करूँगा और आपको आगे कैसे आपका अप्रोच रखना है, क्योंकि RBI गेट बी का भी एग्ज़ाम है। देन अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हैं फेज़ वन में IRDA के, तो आपको आगे कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है वो हम देखते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता है, ये पैटर्न था, ठीक है, 40 40 40, और आपको 190 मिनट्स थे यहाँ पर। तो मुझे लगता है 90 मिनट्स में 90 अटेम्प्ट्स एक्चुअली हो जाने चाहिए थे। GA थोड़ा सा डिफिकल्ट था और बाकी सेक्शन नॉर्मल हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, कि यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस 2 ईयर्स के अगर कट ऑफ देखे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 2017 का कट ऑफ है जहां पर सेक्शनल कट ऑफ लगाया था, और ये जो था 2016 का था, यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। तो कट ऑफ में काफी यहां पर वेरिएशन आप यहां पे देख रहे होंगे। तो अभी यहां पर क्या है ना, सबसे मेन है कि जो ओवरऑल कट ऑफ है वो सबसे मेन डिसाइड होगा कि आपका सेक्शनल कट ऑफ वो कितना रखेंगे इसके बेसिस पे। तो यहां पर फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि हम कुछ कंडीशन देने के बाद हम कट ऑफ यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर 25% अगर कट ऑफ होगा हर सेक्शन का, क्योंकि GA ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट गया है। आई थिंक क्वांट भी थोड़े स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी उनको आई थी। तो मुझे लगता है अगर 10 मार्क कट ऑफ रखेंगे, 10, देखो कट ऑफ अगर सेक्शनल कट ऑफ बढ़ेगा ना तो ओवरऑल कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स मिल सकते हैं या 90 मिल सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन में मान लीजिए कम मार्क्स आएंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर 25% सेक्शनल कट ऑफ रहेगा तो 85 to 90 UR के लिए बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। क्योंकि यहां पर देखिए टोटल जो सीट्स है, अगर आप देखेंगे UR के लिए 20 का 40% है, तो ये 8 सीट है, और इसके लिए 8 into 20 यानी कि 160 लोगों को बुलाएंगे, यानी कि ये तो 10,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें से जो टॉपर है 160 वो UR का कट ऑफ रहेगा। तो मुझे इसलिए लगता है 25% पे 85 to 90 कट ऑफ रहेगा। और अगर लास्ट टाइम जैसा अगर वो 37.5 यानी कि 15 के आसपास कट ऑफ रखेंगे सेक्शनल कट ऑफ, तो ओवरऑल जो कट ऑफ है 75 to 80 होगा। एक जस्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैंने तो कोई एग्जाम दिया नहीं है। जो मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, कुछ पोल्स होते हैं, देखो पोल्स में क्या है ना, कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन उससे एक हमें एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग आ जाती कि यार किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है। तो ये तो हो गया कट ऑफ के बारे में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे आपको क्या करना है। देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी ये करने के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो आज तो एग्जाम हो गया, 25 जून को आपका IRDA का फेज वन हो गया है। अभी आगे क्या है, RBA का फेज वन कब है, 9 जुलाई को है, ठीक है, 9 जुलाई का है। इसके बाद IRDA का फेज टू, ये आपका IRDA है, ठीक है, IRDA का फेज टू है 5 अगस्त को, यानी कि इसको काफी टाइम है। आपको RBI ग्रेड बी का प्रीलिम्स हो जाएगा बीच में, RBI ग्रेड बी का मेंस हो जाएगा, और उसके बाद IRDA का फेज टू का एग्जाम है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर कुछ एक टाइमलाइन रखी है, ये है आज 25 जून, ठीक है, उसके बाद बीच में आपका आएगा 9 जुलाई जहां पर आपका RBI का फेज वन एग्जाम है, देन उसके बाद 30 जुलाई को फेज टू एग्जाम है RBI का, एंड 5 अगस्त को IRDA का फेज टू एग्जाम है। बीच में क्या होगा, यहां पर 16 जुलाई के आसपास RBI का फेज वन का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है IRDA का रिजल्ट यहां पर बीच में कहीं पे तो भी आ सकता है, 5-6 तारीख के आसपास। तो अभी आपको क्या करना है, देखो आपका अगर ये पेपर बहुत खराब गया है, आपको कोई होप नहीं है, तो आप डायरेक्टली RBI के लिए लग जाइए, ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पर पास होंगे, आपका फेज वन का पढ़ाई हो चुका है, तो मुझे लगता है यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली आरबीए का फेज वन के साथ साथ इंश्योरेंस थोड़ा 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 पढ़ना है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, हमारे यहाँ पर इस बार बहुत अच्छी फैकल्टी थी जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, कुछ टॉपिक्स जो है ईएसआई के मैंने भी पढ़ाए हुए हैं, तो ये इंश्योरेंस टॉपिक आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करके वहां से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ऊपर ऊपर लेवल के पढ़ना है कि आपको टेंशन ना हो कि आगे मेरा कैसे होगा। और जैसे आपका ये एग्जाम हो जाता है 9 जनवरी को, तो 9 से लेके 16 तारीख तक, ठीक है, 16 तक आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, ठीक है, मैनेजमेंट। इसलिए, और ये कौन से लोगों को करना है, दोनों लोगों को, मतलब जिनका इंश्योरेंस आईआरबी के एग्जाम पास हो रहा है ऐसे लग रहा है उनको, उनको भी, और जो नहीं हो रहा है उनको भी, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमें करना ही करना है, आरबीआई के लिए हो या फिर आपका आईआरडी के लिए हो। तो यहां से यहां तक आप 6 दिन क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। आपको ढूंढते नहीं बैठना है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन सर्चिंग कंटेंट हियर एंड देयर। और टेलीग्राम पे भी लोगों को मत पूछे कि किसी के पास नोट्स है तो मुझे दे दीजिए। मुझे बताओ कौन किसको क्यों फ्री में नोट्स देगा, है ना, आपको समझ में आ रहा है, कौन किसको क्यों देगा, उसको क्या पर्पज होगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, कोई भी कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और वहां से रेडीमेड मैनेजमेंट के नोट्स, ये 6 दिन में पूरा मैनेजमेंट को कर लीजिए। आप आईआरडीए निकाल रहे हो या आप आईआरडीए नहीं निकाल रहे हो, तो आपको यहां पे करना है। और ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है ना कि जिनका आरबीए का फेज वन अच्छा गया है और ये भी अच्छा गया है, अदरवाइज दोनों खराब हो गए तो देन यू आर अ फ्री बर्ड, आपको जो चाहिए करिए। आगे जो कोई एग्जाम होगा, नाबार्ड का होगा, नाबार्ड ग्रेड ए है, नाबार्ड डी ए है, आरबीए असिस्टेंट है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आके होने वाली। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रिजल्ट आ जाता है आपका, 16 जुलाई को रिजल्ट आएगा, ठीक है, 16 जुलाई को रिजल्ट आएगा, तब तक आपको आपका पता चल गया है आईआरडी का क्या हुआ है, वो पता चल गया है। अभी 16 जुलाई को आपका रिजल्ट एक तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो कोई बात ही नहीं है डिसीजन की, वो तो फिर वो भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए। अगर आप पास होते हो, ठीक है, दो केसेस है, अगर आप सिर्फ आरबीआई पास होते हो और अगर आप दोनों पास होते, तो आपको क्या करना है, अगर दोनों भी पास होते या सिर्फ आरबीआई पास होते तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक फिर आपको ईएसआई और एफएम का पढ़ाई करना है। पढ़ाई मतलब आपने पढ़ चुके होंगे आप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, ये आपको साइमल्टेनियसली करना है। और फिर क्या होगा, 30 जुलाई को आपका आरबीआई का फेज 2 एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपको 5 दिन मिलेंगे। देखो 5 दिन में भी पूरा इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा हुआ है। 2016 में मैं तो एक ही पर्सन था जो मेंटर कर रहे थे इसके लिए, एग्जाम के लिए, और मेरे काफी सारे स्टूडेंट 16 के बैच में, 17 के बैच में टॉप किए हैं और अभी आईआरडीए में काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिन, अगर आप 5 × 15 = 75 या 12 आवर्स भी करेंगे, तो मुझे लगता है 60 आवर्स मोर देन सफिशियंट टू स्टार्ट अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, टू रीड इट, रिवाइज इट, आंसर राइटिंग। देखो ये करने का आपका अगर एम होगा तो कर सकते। अभी मैंने कल ही, आज ही, आज 25th को मैंने आईएफएससी टॉपर का इंटरव्यू डाला था। 10 दिन में, 10-12 दिन में आईएफएससी का पढ़ाई किया उन्होंने, और कुछ सेक्शन उन्होंने छोड़ भी दिए थे, इंश्योरेंस वाला, पेंशन वाला, और ये करने के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ठीक है। तो देखो खुद पे भरोसा होना चाहिए, मैं तो कहता हूं 2 दिन भी बहुत है, अगर आपके पास राइट है, कंटेंट है और आपकी करने की इच्छा है, अदरवाइज तो फिर 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, 3 साल दे दो। नेगेटिव बोलने वाले लोग आपके आसपास बहुत है। आरबीआई ग्रेड भी मैं 10 साल से लोगों को पढ़ा रहा हूं, 10 साल से 5-5 दिन में, 7-7 दिन में लोग एग्जाम निकाल लेते। देखो ये बहुत सारी, हम जेनेरिक नहीं रूल नहीं लगा सकते, जेनेरिक कि ये कोई नहीं कर सकता। अरे लोग ब्रिलियंट है, कुछ कुछ लोग विदाउट पढ़ाई भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें उनका बैकग्राउंड समझना है। अगर आपने आईएफएससी का टॉपर का देखा होगा तो उनका एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है, वहां पे उन्होंने काफी चीजें सीखी, फिर एनआईटी में हुआ, फिर आईआईएम में हुआ, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए, और निगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना है। फिर उसके बाद ये आपका 5 दिन में आप करेंगे, क्योंकि आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, और फिर बाद में आप यहाँ पे करके 5 अगस्त को आपका आईआरडीए का एग्जाम आप दे दोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 3-4 टाइप के लोग रहेंगे कि जो दोनों एग्जाम फेल हो गए, ठीक है, किसी ने एक पास किया है, एक फेल किया है, आरबीआई पास किया, आईआरडीए फेल किया, आईआरडीए पास किया है, वो फेल किया,
ये दोनों पास हो गए। फिर आगे हम क्या करेंगे, एक एक चीजें हम देखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है, और सोशल मीडिया पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से, अगर आपके पास राइट कंटेंट है, तो कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है। जब IFSCA का एग्जाम आया था, ऑल इंडिया 20 सीट्स, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि बस 20 सीट है ऑल इंडिया लेवल। लेकिन ये जो 19 लोग हुए ना, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में थ्रू डायरेक्ट कॉलिंग, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू टेलीग्राम, और मैंने देखा है कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड के नहीं। अभी ये ऑल इंडिया फर्स्ट जो आए वो IIM से है, बाकी इतना भी कोई हाई फाई बैकग्राउंड नहीं, कुछ कुछ का तो 5-5, 6-6 साल का गैप भी था। ठीक है, तो बिल्कुल निगेटिविटी से दूर रहना है और आपका जो प्रिपरेशन है वो करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।